अरे तू निकली महलों की राजकुमारी, मैं निकला गांव का खेती हर बलियारी। अरे तोहरे घर है मोटर गाड़ी, हमरा घर सिमट गया लेके बस है बैल गाड़ी। तू चढ़ती है मोटर गाड़ी, हम बनाते भैंस को गाड़ी। अरे तू करती हवाई जहाज की सवारी, कहती है वाव कूल। अरे हमने कर ली भैंस की सवारी, मुझे कह दिया यू आर गवार फूल। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। अरे आ तो गया तेरे शहर में, पर दिल आज भी बसता है गांव के घर में। तुमने देखा कहाँ है गांव से शहर का होना, तुमने देखा ही नहीं आंखों में आंसू का होना। तुमने देखा कहाँ हल और बैल चलाना, अरे तुमने देखा कहाँ खेत में दाल का होना। गांव के बारे में तुमने सुनी है सिर्फ कहानी, अरे मानता हूँ तू है महलों की रानी। दाल के नाम पे तुमने देखी है सिर्फ होटलों की दाल मखानी। क्या मेरे साथ अच्छी ना लगी तुझे दाल मखानी, जो तुमने दे दी मेरी कुर्बानी। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, ये खेत से उखाड़ के दाल को और काट के लाया गया है सब को। ये देखिए, ये है, इसको चिकना कहा जाता है गांव में, अलसी कहते हैं, तीसी भी कहते हैं इसको। इसको देखिए, फोड़ के देखिए कैसा होता है। ये आप लोग देखे होंगे तो बताइए। देखिए ये इस टाइप का होता है। ये है खेसारी। खेसारी जो है वो खेसारी लाल वाला नहीं, मतलब खेसारी है, इसको गांव में खेसारी कहते हैं, और बाहर शहर का तो पता नहीं। पान मसाला मत समझिएगा जी, हाँ रजनीगंधा खा के मुँह में डपटते हैं। ये रहा मसूर की दाल। मसूर की दाल को देखिए कैसा होता है। यहाँ पे गांव में वो सब सुविधा नहीं है कि खरीद के ले आए खा लिए, यहाँ मजबूरी में करना पड़ता है ना जी। देखिए ऐसे आज आप लोगों को दिखाते हैं कैसे इन सब दाल को निकाला जाता है, दौनी किया जाता है। देखिए आपको जो है दौनी के लिए सबसे पहले आवश्यकता होगी गोल मटोल खम्भा की। गाँव में इसको जो है खूंटा कहा जाता है, समझे। खूंटा के साथ जो है आपको बैलों को जो है आपस में एक दूसरे से एकदम ताल में ताल बिठा के जो है बांधना पड़ता है। एक तो डंडा लीजिए, बैल के पूंछ को पकड़िए, धीरे धीरे उसके पूंछ को आगे पीछे खींचते रहिए। उससे क्या लगेगा बैल को कि हाँ हमारे पीछे पीठ पीछे जो है एक आदमी है, बैल के पीछे सांड है, ठीक है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको धकेलते रहिए, देखिए बैल धीरे धीरे आगे जाता जाएगा। बीच बीच में बैल को पुचकारना भी पड़ता है जी, ऐसे नहीं जैसे बाबू सोना पुचकारते हैं ना लोग। तो धीरे से ऐसे ठाक से ठोकिए, फिर बैल को बोलिए। बैल आदमी वाला भाषा थोड़ी बुझेगा बैल कि अरे बाबू सोना बच्चा हीरा मोती, नहीं समझता है। उसको कहिए उसके लिए भाषा है अरे आ ओ आ ये हर हा हन हम। यही करते रहेंगे तो आपका बैल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, खूर से नीचे नीचे खुराटता जाएगा। आप इधर डंडा से फिर समेट समेट के उधर दाल करते रहिए ताकि फिर से अपना वो खुर खार दे। रुकने के लिए कहे हा हर हा हा, चल रुक। अरे आप लोग तो बाबू सोना बेटा बच्चा वाले हैं ना जी, हैं खाली बाबू थाना तो थाना थिलाते हैं, मेला बाबू त्या तल्ला है, मेला बाबू ने थाना थाया। अरे हट थो थो रानी, हैं अरे उफेरा में मत रहिए, सबका कट जाता है, समझे। मेरा भी कटा है, आपका भी कटेगा। बैल का फेरा देखिए ना, कौन फेरा में पड़ते हैं आप जी। है और भी बहुत कुछ का फेरा दिखाना है आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन है नीचे। दाल को भी बाहर निकलने में वक्त और मेहनत लगता है, पर दीदी तो गोली की रफ्तार से निकल गई ठस। अरे ऐसे कैसे चलेगा दीदी। हाँ देखिए सब दाल जो है सब अलग अलग हो गया है। अब इसको जो है एक तरफ से बिना जाएगा, मसूरी मतलब मसूर कहते हैं गांव में, मसूरी कहते हैं, तो मसूर है चिकना है सब एक साथ। दीदी को लेकिन दाल मखानी बड़ा पसंद था। अरे जाते जाते ये तो बता दो ए हुस्न की रानी, क्या वापस मेरे साथ खाओगी दाल मखानी। अरे खा भी लो।